हमारा इंटरव्यू था, सब लोग ग्रुप इंटरव्यू चल रहा था, जिसमें वो बता रहे थे आपने कभी सेट पे विजिट नहीं किया कभी भी, तो ऐसा क्या रीजन था सेट पे कभी विजिट नहीं किया? हम लोग ब्रिटिश होते थे, एक एक्टिंग में लेट को भी थोड़ा काम करना पड़ता है, तो डेट की थोड़ी सी मारा मारी थी, लैश था, तो जब ये अहमदाबाद में शूटिंग कर रहे थे, अहमदाबाद में कर रहे थे, मैं अबू धाबी में था, सो आई कुडंट विजिट द सेट एट दैट पॉइंट। सर जैसा कि सभी जानते हैं कि फिल्म जब शुरू होती है एक डिस्क्लेमर आता है, लिखा हुआ होता है कि फिल्म एक काल्पनिक है और ये किसी समुदाय या व्यक्ति को ठोस नहीं पहुंचाती, ठेस नहीं पहुंचाती, तो क्या आपको नहीं लगता सर इस फिल्म के टाइटल से और फिल्म से जो हिंदुस्तान के रियल थग्स हैं उनको ठेस पहुंचती है? वाओ वाओ वाओ, उस सवाल की तालियां हो जाए, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सर आपको बताना पड़ेगा कि ये किस ओर आपका ध्यान जा रहा है। दरअसल ये फिल्म थग्स को सेलिब्रेट करती है, सो आई थिंक वी विल बी हैप्पी। अभी जी Good morning. दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो और एक अच्छे विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।